छिड़काव किया। और देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जा रहे हैं अब पश्चिम बंगाल और ओडिशा के हवाई सर्वेक्षण पर। हम आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 बजे ये जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कल ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से अपील की थी, गुजारिश की थी कि वो चाहेंगी कि जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रभावित इलाकों का दौरा करें, और जैसे ही प्रधानमंत्री का यह हवाई सर्वेक्षण शुरू होगा सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। बढ़ते हैं आगे, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में खाने पीने का सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना वायरस की वजह से वहां की सरकार ने लोगों को मुफ्त में खाने पीने का सामान बांटा, जिसे लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग एक मैदान में इकट्ठा हो गए। सभी लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे। इस दौरान ज्यादातर लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाए दिखे। वहां मौजूद भीड़ ने कोरोना से बचाव के लिए तय दूरी का लेकिन ख्याल नहीं रखा। हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी संख्या में जमा हुए लोगों को संभालने के लिए वहां पर एक भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। तो देखिए एक बार फिर से आपके सामने तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो पहुंचा, जहां से प्रधानमंत्री ने विमान में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा के हवाई सर्वेक्षण पर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं। अब से कुछ मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 83 दिनों बाद प्रधानमंत्री दिल्ली के बाहर जा रहे हैं। इससे पहले 29 फरवरी को प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर गए थे चित्रकूट की यात्रा पर, और बीच में क्योंकि एक लंबा वक्त कोरोना वायरस का रहा तो प्रधानमंत्री उसके बाद देखिए किस तरह से चेहरे पर मास्क लगाकर, यानी कि अपना जो गमछा है उसको मास्क की तरह इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, और वो बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं। बंगाल के साथ साथ ओडिशा के भी चक्रवाती तूफान अम्फन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उनका ये जो हवाई सर्वेक्षण होगा खासतौर पर पश्चिम बंगाल के प्रभावित इलाकों का, वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 83 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। आखिरी बार फरवरी 29 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बाहर गए थे, और अब क्योंकि पश्चिम बंगाल में 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है अम्फन तूफान से और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी की अपील पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हवाई दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एयरपोर्ट पर पहुंचा और विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए हैं।